Drop it. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डेवलपर। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम ये पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये बेसिकली अपडेट कोर्स या एडिट कोर्स का पेज आप बोल सकते हो इसे। आप होम पेज पे, अगर आपने मेरे साथ होम पेज बनाया होगा तो उसमें एक टैब होगा एडिट कोर्स का, उसके पीछे हम ये फ्रेम ओपन करने वाले हैं। तो इस पेज पे हम करके आ रहे हैं, यहाँ पर हम टेबल पे पूरे कोर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। जब यूज़र सेलेक्ट करता है, यहाँ पर मैंने सपोज़ 4 नंबर का रो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर वो डिटेल्स आ जा रही है। हम यहाँ से ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हैं कोर्सेज को। तो अगर मैं ऐड करूँगा तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अपडेट डिलीट कर सकते हो। वो आज हम देखने वाले कैसे करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आगे चलकर। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ ये जावा का हमारा स्विंग का प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होने वाला है थोड़े दिनों में। इसके बाद मैं वेबसाइट्स बनाऊँगा, वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा। धीरे धीरे हम स्प्रिंग सीखेंगे, स्प्रिंग हाइबरनेट, जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आगे बढ़ते, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये जो सर्च रिकॉर्ड का पेज क्रिएट किया था, उसको मैंने अपने जो हमारा होम पेज उससे कनेक्ट नहीं किया था। तो मैं एक बार उसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मेरा ये होम पेज है, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ पर, ये जो हमारा है सर्च, ये हमने पेज क्रिएट किया था। एंड ये हमारा एड होम पेज कहाँ गया, ये होम पेज है। तो इसके बैकएंड में अगर आप देखेंगे, ये जो सर्च जो बटन है, इसके पीछे हमें उसको, ये जो हमारा सर्च रिकॉर्ड का पेज है उसको अटैच करना। तो यहाँ पर जाइए, इवेंट एक्शन, एक्शन इवेंट तो होगा नहीं बिकॉज ये लेबल है, तो माउस क्लिक इवेंट होगा, माउस क्लिक इवेंट है। तो उसके पीछे यहाँ पर हमें सर्च रिकॉर्ड पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सर्च इज इक्वल टू न्यू, आपको पता होगा कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या आप कहीं से भी सीखा होगा। तो सर्च डॉट सेट विजिबल, यहाँ पर हमें ट्रू कर देना है। एंड करंट फ्रेम को हम डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं रन करूँ, सर्च रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो हमारा सर्च वाला पेज आ जाएगा, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, जिससे हम कोई भी रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं जो डेटाबेस में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर अगर मैंने भूल गया था, यहाँ पर कोड इसके पीछे इवेंट्स अप्लाई करना, जैसे होम पे क्लिक किया तो होम पे जाना चाहिए। तो आपको पता होगा कैसे करते हैं, सिमिलरली जैसे अभी हमने इस बटन पे किया, इस बटन पे का वैसा ही आपको वहाँ पे भी करना है। यहाँ वहाँ पे भी जाना है आपको, एंड इवेंट्स में जाकर माउस क्लिक इवेंट अप्लाई करना है। कहाँ गया हमारा माउस क्लिक इवेंट। एंड जिस पेज पे जाना है उसका ऑब्जेक्ट बना के सेट विजिबल ट्रू, एंड देन करंट फ्रेम को दिस डॉट डिस्पोज कर दीजिए। बस यही करना है बस आपको। तो अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं ना, वो इसके पीछे जो फ्रेम ओपन होगा उसको हम क्रिएट करने वाले। तो मैं यहाँ पर पहले आता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट फीस मैनेजमेंट सिस्टम, नया फ्रेम बनाता हूँ, जे फ्रेम फॉर्म, उसको नाम देता हूँ मैं कोर्स डिस्प्ले नहीं एडिट कोर्स नाम दे देता हूँ, एडिट कोर्स CORSE एडिट कोर्स, ठीक है। एंड इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, साइज में एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ कितना बड़ा है साइज, थोड़ा और हमें बड़ा चाहिए। तो यहाँ से मैं इसे और बड़ा करता हूँ, एंड इसका मैं जो कोड में जाकर पहले इसे जनरेट सेंटर, इससे हमें सेंटर में ओपन होगा, जनरेट डिस साइज कोड कर देता हूँ। तो मैं रन करूँ तो सेंटर में ओपन होता है ये। तो अब सेंटर में थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ऊपर से या नीचे से, दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है। मैं रन करूँ एक बार तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया ऊपर, एंड राइट से थोड़ा बड़ा, ओके। सो आई थिंक अब ये परफेक्ट है, ठीक है। तो एंड इसके बाद अब हमें यहाँ पर साइड पैनल, आप देख सकते हैं जो मेरा पहले से बना हुआ पेज है कोर्स लिस्ट, मैं दिखाऊं, यहाँ पर मैंने साइड में ये सब पैनल रखे हुए। तो आपको मैंने बताया हुआ कैसे बनाना, हमने ये जो हमारा अपडेट फीस डिटेल है उस पेज पे भी हमने बनाया हुआ है। तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। आप एक काम करिएगा, आप क्या करिएगा मालूम है, अब मैंने जैसे इसके पेज, इस बटन के पीछे कोडिंग नहीं की है एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर होम है ना, होम पर जाके आप पहले से वो
इवेंट अप्लाई कर लीजिए, जैसे माउस 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 क्लिक एंड वहाँ पर उस पेज पे होम पेज पे जाने का कोड लिख दिए, ताकि जब हम बार बार इसे कॉपी पेस्ट करें ना, तो हमें उस बटन के पीछे बार बार कोड ना करना पड़े। अभी बस आप होम एंड सर्च बट सर्च रिकॉर्ड के लिए कर लीजिए, बिकॉज अभी बाकी के पेज तो बने नहीं है, तो अब इन दोनों के लिए कर लीजिए, ताकि जब जब आप कॉपी पेस्ट करें तो कोड भी कॉपी पेस्ट हो जाए एंड आपको बार बार उसे यूज ना लिखना ना पड़े। तो मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड ये हमने अभी पेज बना, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं इसका लेआउट, पहले जे फ्रेम का लेआउट कर देता हूँ एब्सोल्यूट एंड कहाँ गया कहाँ गया, आई थिंक एकदम स्टार्टिंग में आ गया। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, मुझे इस बार इसे इस दूसरी तरफ रखते हैं, हम थोड़ा अलग करते, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने इसे, ये थोड़ा सा नीचे, ओके ये हो गया। एंड देन यहाँ पर हम दूसरा एक पैनल लेते, पैनल पैनल हमारा पैनल यहाँ पर है एंड इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंड लेकर आता हूँ पूरा नीचे तक। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया, बट कोई नहीं, एंड यहाँ पर एंड करता हूँ एंड इसको मैं लेआउट कर देता हूँ, इस पैनल का भी लेआउट कर दिया मैंने नल एंड इसका जो कलर है वो प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं कर देता हूँ 0,153,153 एंड ये हो गया कलर। अब मैं एक बार रन करूँ, ओके यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा हुआ है, ओ मुझे समझ गया, मैं कलर का एरर आ रहा होगा, बिकॉज हमने वो जो पैनल कॉपी पेस्ट किया ना ये वाला, उसमें कलर की कोडिंग है, तो कलर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल स्पेस मारिए और आप कलर को इंपोर्ट कर लीजिए, कलर java.awt, ये इंपोर्ट हो गया, एरर गॉन एंड रन कर लिए। तो अभी इस तरह से दिख रहा है, हमें यहाँ पर एक वो रखना है टेबल एंड यहाँ पर बटन्स रखनी है। तो मैं पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये जो हमारा ये है ना, ताकि हमें थोड़ा स्पेस यहाँ पर ज़्यादा मिल जाए टेबल रखने के लिए। एंड ये हो गया एंड यहाँ पर मैं पैलेट में जाता हूँ एंड पैलेट में आपको मिलेगा यहाँ पर टेबल, यहाँ से उठाइए रख दीजिए, मैं इसे बड़ा करता हूँ, यहाँ से ऊपर से थोड़ा स्पेस रखता हूँ एंड यहाँ पर एंड ये हो गया, थोड़ा सा और मैं इसे यहाँ लेता हूँ, ठीक है ये हो गया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ तीन ही, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आई थिंक वीडियो नंबर 14 या 14 में हमने एक टेबल क्रिएट किया था डेटाबेस में सर्विसेज में, ये कोर्स नाम का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस कोर्स टेबल को क्रिएट करने का कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है 14 वीडियो नंबर 14 में, पार्ट 14 में अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वो वीडियो की लिंक मिलेगी, आप उसे देख लीजिए, अगर आपने कोर्स का टेबल नहीं क्रिएट किया, अगर वहाँ अगर नहीं क्रिएट किया तो मैं इसका कोड आपका इसको इसकी क्वेरी भी डेटाबेस में डेटाबेस बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इसे जाकर यहाँ पर जाइएगा जो यहाँ पर आपका टेबल से, तो यहाँ पे आप या तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जीक्यूट कमांड आ रहा है, कोई भी टेबल पे क्लिक करो, यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड आ रहा है, तो यहाँ पर उस जो मैं आपको कोड दूंगा ना, अब उसे यहाँ पर पेस्ट करके रन फाइल कर दीजिएगा, तो वो टेबल क्रिएट हो जाएगा अगर आपने नहीं क्रिएट किया है तो, या तो फिर आप मेरा जाकर वीडियो नंबर 14 देख सकते हैं, पार्ट 14 इस सीरीज़ का। तो हमें तीन कॉलम यहाँ पर दिख रही है डेटाबेस में, कोर्स की आईडी, सी नेम, सी कॉस्ट, तो मैं इसे हमें तीन रोज चाहिए, तीन कॉलम्स चाहिए, तो मैं एक हटा देता हूँ एंड पहला जो होगा हमारा होगा कोर्स आईडी होगा, देन उसके बाद कोर्स नेम, जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा कोर्स प्राइस। मैंने यहाँ पर तीन ही कॉलम रखे, आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, सपोज कोर्स ड्यूरेशन रख सकते हैं, आपके कितने कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, 2 महीना 3 महीना या जो भी हो, या इस कोर्स को कौन से टीचर अटेंड करने वाले, वो भी आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने तीन, अब हमें एक भी रो नहीं दिखानी, यहाँ पर दिख रही है आपको 4 रो पहले से आ रही है, तो मैं उस रो को भी हटा देता हूँ बिकॉज हम डेटाबेस से वैल्यू को लेने वाले हैं। तो इसके पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये डेटाबेस से वैल्यूज़ कैसे फेच करना है, तो उसकी कोडिंग भी हमने कर ली थी, तो अगर
सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड भी क्रिएट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ से गया, मैं टेक्स्ट फील्ड लिया मैंने एंड इसकी साइज यहाँ पर थोड़ा सा टेबल को मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये हो गया एंड इसका एडिट टेक्स्ट एंड इसका वेरिएबल नेम रख देता हूँ मैं TXT कोर्स ID एंड जो इसके अंदर का प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ एंड इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ 17 या 18 कर देता हूँ। एंड मैं टेबल का भी फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, टेबल पे जाइए यहाँ पर कोई दिख रहा होगा 13, उसको भी 17 या 18 आपके हिसाब से जो आपको सही लग रहा है आप वो कर दीजिए। देन उसके बाद मुझे एंड अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तीन हमें बेसिकली तीन चाहिए बिकॉज हमारे तीन रिकॉर्ड है तो तीनों को अपडेट डिलीट करना है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये तीन तीन फील्ड्स आ गई मेरे पास। मैं इसको नाम देता हूँ TXT कोर्स ID, TXT कोर्स ID, ओके ऑलरेडी अवेलेबल बता रहा है क्यों, इसका नाम क्या है कोर्स ID 2। तो ये कोर्स ID 1 है हमारा, शायद ये कोर्स ID मेन है यहाँ पर आ गया, तो मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ, इन दोनों को नीचे लेता हूँ। यहाँ पर एक और टेबल एक्स्ट्रा जनरेट होगा, इसे डिलीट करता हूँ। एंड ये हमारा वेरिएबल है कोर्स ID एंड इसका नाम रखता हूँ मैं TXT कोर्स नेम, नेम सॉरी स्पेलिंग, हाँ नेम बराबर है। एंड देन इसके बाद TXT कोर्स प्राइस एंड इसका जो अलाइनमेंट थोड़ा सेट कर दो। देन यहाँ पर लेबल्स लेता हूँ मैं, लेबल एंड यहाँ पर इसका जो इसमें टेक्स्ट लिखना है हमें कोर्स COURC कोर्स ID एंड इसका मैं कलर चेंज कर दूँ पहले तो फॉन्ट का फॉन्ट रखता हूँ मैं 18, ओके फॉन्ट 18 हो गया हमारा। देन उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, फोरग्राउंड कलर इसका वाइट कर देता हूँ, ये हमें वाइट में दिखेगा, ओके सो ये वाइट में दिख रहा है। मैंने इसे कॉपी पेस्ट करी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड वन मोर टाइम, ओके तो कोर्स ID यहाँ पर हो जाएगा हमारा, कोर्स नेम एंड एट द एंड हमारा होगा कोर्स CO कोर्स प्राइस, ठीक है। ये तीनों आ गए, अब हम यहाँ पर तीन बटन्स भी ऐड कर लेते हैं। तो बटन्स एंड मैं इसका नाम देता हूँ, इवेंट में जाता हूँ, एडिट टेक्स्ट का नाम देता हूँ मैं ऐड एंड कलर चेंज कर दो बटन का, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ये जो हमारा फ़िलहाल जो कलर है वो कर देता हूँ, आई थिंक ये मैच हो रहा है, तो एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ कलर मैच हो रहा है या नहीं। नहीं मैच हो रहा है, मैं इसको यही का जो हमारा ये जो ये इस पैनल कलर है वो कलर देता हूँ, इसका कलर है 0 कॉपी कर लेता हूँ ये पैनल का कलर एंड इस बटन पे जाता हूँ एंड फोरग्राउंड कलर में उसे पेस्ट कर देता हूँ, तभी इस कलर का हो गया। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक बटन हो गई एंड देन कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड ये और इसका सॉरी डबल क्लिक हो गया एंड ये एडिट टेक्स्ट एंड इसको हम कर देते हैं अपडेट, ये लास्ट बटन है उसको करते हैं डिलीट, ठीक है। मैं रन करूँ एक बार, तो ये कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस दिख रहा है। ये ऐड बटन्स तो आई थिंक मैंने इनका कलर
फोरग्राउंड कलर नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्यों नहीं अप्लाई हुआ वही चेक करने। तो ये जो हमारा इसका कलर है 0.102102, इनका कलर कुछ अलग करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो इनका मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से दूँ, अगर मैं रन करता हूँ कि नहीं हो रहा है, वाई बिकॉज अगर मैं यहाँ पर इसका मैं चेंज करूँ इनके लुक एंड फील में, यहाँ पर लुक एंड फील नंबर से यहाँ पर मैं करता हूँ मेटल, मेटल करो और रन करो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, तो आई थिंक ये भी परफेक्ट है। तो अब यहाँ से लुक एंड फील भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो मैं इसका टेस्ट का कलर यहाँ से, आप इसका लुक एंड फील, दो तीन लुक एंड फील से बाय डिफ़ॉल्ट मेटल निम्बोस एंड और दो तीन है मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं इसका टेक्स्ट का पहले फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करता हूँ 1.8, इसका भी इंक्रीज़ कर देता हूँ 1.8 एंड इसका भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, सॉरी थर्ड वाले का 1.8 1.8। एंड इनका जो बैकग्राउंड कलर है तीनों को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, और बैकग्राउंड कलर आप दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं बैकग्राउंड नहीं सॉरी फोरग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ। तो तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, एक साथ वाइट कर दिया। मैं रन करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड, हमें इसमें पहले डेटा डिस्प्ले करना है टेबल में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसकी कोडिंग कर ली थी पूरी, आपको याद होगा। तो हमने सर्च रिकॉर्ड में एक मेथड क्रिएट किया था, सेट रिकॉर्ड्स टू टेबल, आपको याद हो। अगर आपको नहीं याद है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, डेटाबेस से वैल्यू को फेच किया था एंड उसे एक वेरिएबल में स्टोर किया था, एंड देन उसे ऑब्जेक्ट एरे में स्टोर किया, देन डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसमें ऐड कर दिया ऐड रो मेथड से। तो हमें सेम यहाँ पर ये भी यही करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड कोड को लिख लीजिए, मतलब टाइप कर लीजिए, ठीक है। ये कोड है एंड यहाँ पर हमें इसका पहले ये भी क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट कोर्स में, ऊपर जाता हूँ मैं, सबसे पहले इसे मिनिमाइज़ करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अभी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए बोले या क्लासेस, तो मुझे सारे इंपोर्ट करने, ओके पे क्लिक कर दो। अभी हमें यहाँ पर एरर आ रहा है बिकॉज हमारा टेबल का नाम कुछ और है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, टेबल का नाम चेंज वेरिएबल नेम TBL स्टूडेंट डेटा नहीं, हमें यहाँ पर देना है कोर्स डेटा, ठीक है, कोर्स डेटा या कोर्स डिटेल जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ एंड टेबल कोर्स डेटा डॉट गेट मॉडल, अभी मॉडल का एरर है बिकॉज हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस टेबल को चाहे तो डायरेक्ट भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट कर लूँगा कि यार दो लाइन का कोड है, मतलब दो लाइन नहीं, दो से ज़्यादा लाइन है, बट उससे लिख लो या टाइप कर लो, बिकॉज वो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा बहुत। क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लोगे तो आपको आई थिंक कुछ समझ में नहीं आएगा। आप यही लाइन्स की कोड एक बार सीख ले तो आपको ये इन फ्यूचर बहुत यूज़ होता है ये सब, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो रिसीप नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमारे पास तीन कॉलम है, ID, CNAME एंड कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ कोर्स ID, देन जो है CNAME एंड नेक्स्ट है कॉस्ट। एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें किसका नाम देना है, यहाँ पर पहले तो मैं कॉलम का नाम चेंज कर दूँ, टेबल का नाम चेंज कर दूँ, फीस डिटेल्स नहीं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स करना है, देन रिसिप्ट नंबर की जगह ID, ये हमें इसका नाम देना जो टेबल हमने डेटाबेस में क्रिएट किया कॉलम। तो CNAME एंड देन यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट, बस हमें ये तीन चाहिए, बाकी के ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। एंड यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट एरे में से भी हमें ये सब हटाना है, हमें सिर्फ ये तीन चाहिए। अब ध्यान रखिए उसी ऑर्डर में इंसर्ट करें जिस ऑर्डर में हमारा ये यहाँ पर टेबल में है। तो फर्स्ट क्या है, कोर्स ID, देन कोर्स नेम, देन कोर्स प्राइस। तो मैं सबसे पहले ID मीन्स कोर्स ID, देन उसके बाद CNAME, देन कॉस्ट, एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कॉल कर लेते कंस्ट्रक्टर में,
तो सेट, अब कॉल करना मत भूलिएगा मेथड को, लास्ट टाइम मैं भूल गया था इसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये तीनों रिकॉर्ड्स आ गए हैं यहाँ पर जो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, कोर्स आईडी, व्यू डेटा, कोर्स, तो देख सकते हैं तीन रिकॉर्ड तीनों आ गए हमारे पास। तो मैं इसका लुक एंड फील यार मुझे पसंद नहीं आया मेटल, अगर आपको अच्छा लगा तो आप रख सकते हैं, बस पे रखता हूँ मैं इसे, ठीक है, और रन करता हूँ। ठीक है यार, ये भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बटन का कलर आप चेंज करिए आपके हिसाब से, जो आपको पसंद आ रहा है वो रखिए, अदरवाइज़ आप इस तरह का बटन भी बना सकते हैं, आपको पता है कैसे बनाना है। अब यहाँ पर एक पैनल रखिए, पैनल के ऊपर लेबल रखिए, लेबल के ऊपर टेक्स्ट रख दीजिए ऐड, एंड लेबल के ऊपर हम इवेंट अप्लाई कर सकते हैं माउस क्लिक होगा तो ये इवेंट चलेगा। तो मैं अब हमारे पास डेटा आ गया, तो हमें यूज़र जब कॉलम सेलेक्ट करेगा तो हमें वहाँ पर ये डेटा डिस्प्ले करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो बहुत सिंपल है यार, हमें एक टेबल पे एक इवेंट अप्लाई करना है, इवेंट इवेंट है हमारा की माउस माउस क्लिक इवेंट अप्लाई करना है। तो माउस क्लिक इवेंट अप्लाई करना है यहाँ पर हमारा जो आ गया, माउस क्लिक की कोडिंग यहाँ पे करनी है हमें, देख सकते हैं आप, डेटा माउस क्लिक TBL कोर्स डेटा माउस क्लिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़े, हमें रो गेट करनी है, टेबल का नाम क्या है हमारे, टेबल कोर्स डेटा डॉट गेट सेलेक्टेड रो एक मेथड है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जो हमने सेलेक्ट करी है, मतलब अगर ये इंटीजर रिटर्न करता है, सपोज अगले सेकेंड रो सेलेक्ट की तो 2 रिटर्न होगा, फर्स्ट यहाँ पर एक बात ये है कि ये जो हमारा रो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है इसमें, तो अगर आपने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया तो 0 रिटर्न करेगा, सेकंड को सेलेक्ट किया तो 1, तो इस तरह से। तो मैं उसे कैप्चर कर लेता हूँ रो नंबर एक वेरिएबल में। एंड अब हमें टेबल मॉडल, एक क्लास है टेबल मॉडल जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल क्लास, टेबल क्लास में टेबल पैकेज में आप देख सकते हैं ये जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट डॉट टेबल पैकेज में एक ये इंटरफेस है, क्लास नहीं है इंटरफेस है। तो हम इसका अब इज इक्वल टू ये जो हमारा जो टी बी एल कोर्स डेटा डॉट गेट मॉडल एक मेथड है जो हमें रिटर्न करेगा रेफरेंस हमारे टेबल मॉडल का, ठीक है। तो एंड अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल है। अगर आपको आपने मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, जैसे कनेक्शन का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार वो। तो एंड इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ से वैल्यूज तो गेट कर लिया, अब हमें सेट करना है ये हम क्यों कर रहे, ताकि हम टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए इसलिए। तो अब मैं यहाँ से हमारे पास जो txt हमारे फील्ड का नाम क्या है, कोर्स आई डी डॉट सेट टेक्स्ट, उस पर हमें वैल्यू सेट करनी है। तो अब मुझे क्या करना है, मॉडल डॉट गेट नहीं सेट वैल्यू एट, यहाँ पर हमें क्या पास करना है, नहीं सॉरी हमें गेट करना है ना, ओके पहले हमें मॉडल से टेबल से डेटा गेट करके इस टेक्स्ट फील्ड पे, तो टेक्स्ट फील्ड पे सेट करना, तो सेट वैल्यू गेट वैल्यू एट। तो हमें रो काउंट तो मिल गया कि कौन से रो को यूज़र ने सेलेक्ट किया है, सपोज़ यूज़र ने सेलेक्ट किया फर्स्ट रो को, तो यहाँ पर रो ये जो हमारा गेट वैल्यू मेथड है ना वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, फर्स्ट जो होता है वो रो नंबर है, तो रो नंबर हमारा यहाँ पर है हमारे पास रो नंबर, जो यूज़र ने रो नंबर सेलेक्ट किया वो, एंड विड्थ जो होगी कोर्स आईडी की विड्थ मीन्स जो कॉलम नेम ये रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, तो ये इसका जो कोर्स आईडी है कॉलम इंडेक्स है वो 0 है, आप देख सकते हैं 0 1 2, इसका 1 है इसका 2 है इसका 0 है 0 1 2, तो इसका क्या है 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ एंड ओके। एंड यहाँ पर मुझे कह रहा है इनकैपिटल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, तो मुझे इसे स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ये टाइप कास्टिंग नहीं है आप ध्यान रखिए, ये मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया है, टाइप कास्टिंग में आपको करके बताता हूँ इसके बाद, इसके ये वाले स्टेप में कोर्स नेम डॉट सेट टेक्स्ट एंड हमें मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट एंड रो तो हमारे पास है जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है, एंड यहाँ पर हमें कोर्स आईडी का जो कोर्स नेम का जो कॉलम है वो सेकंड है। अब यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग करने बोला, तो आप दो इस तरह ये हो गई टाइप कास्टिंग हमारी, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी हमने वही सेम की चीज़ की है, मतलब वो टाइप कास्टिंग नहीं है, बट ये जो टू स्ट्रिंग मेथड के ज़रिए हमने इसे बेसिकली हमें क्या करना है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इस
जो यूज़र जो एक गेट वैल्यू एट मेथड रिटर्न करेगा ना उसे स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, तो आप इसे टू स्ट्रिंग मेथड भी कॉल करके कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इस तरह से टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर txt जो लास्ट कॉलम है हमारा txt कोर्स प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट एंड यहाँ पर मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट एंड रो नंबर तो है हमारे पास, रो नंबर तो सेम ही होगा बिकॉज एक ही रो सेलेक्ट की, हमें कॉलम को अलग अलग डिस्प्ले करना है। एंड देन फिर से यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर अगर मैं रन करूँ इस बार तो आई होप ये वर्क करना चाहिए। अब वन सेलेक्ट कर देख सकते हैं यहाँ पर वन आ गया, टू सेलेक्ट करता तो के यहाँ पर टू टू पे क्यों नहीं आया, बट ओके वर्क कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, जब यूज़र को ऐड पे क्लिक करेगा तो ये रिकॉर्ड्स डेटाबेस में चले जाने चाहिए, अपडेट पे क्लिक करेगा तो डेटाबेस में चले जाने चाहिए, अपडेट यहाँ पे भी अपडेट हो जाने चाहिए, डिलीट पे क्लिक किया डिलीट पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये थर्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए यहाँ से भी और डेटाबेस से भी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो एंड इससे पहले मैं यहाँ पर जो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।